कोरोना एक बहुत बड़ी महामारी है, इसका सबसे बड़ा एक ही है कि बचाव ही उपचार है। अपने को बचना है, बस खुद को बचाना है, बाकी कुछ नहीं है। सब इस बीमारी को मजाक में ले रहे हैं, सोशल मीडिया सब। अपने को उससे सबसे बड़ा है सब करता है बचाव ही उपचार है। अपने को मुंह पे मास्क लगा के रखना है और कहीं भी जावे कुछ भी चीज़ को टच ना करें 90%। अगर टच भी करते हो तो उसके बाद सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, ये सबसे अच्छी बात है। स्टे सेफ, स्टे होम। तो हेलो गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम शिमला, दिस इज अनदर डे। गुड मॉर्निंग, मिलते हैं। नहीं जाने वाले आज मनाली, कैंसिल मनाली। अमेजिंग एक्सपीरियंस यार, मजा आ गया। अभी स्नोफॉल को फेस कर रहे हैं, सामने से आ रही है ना। हेलो गाइस, दिस इज रॉबिन एंड यू वाचिंग रॉबिन रोज़ेस। होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इट्स स्टार्टेड स्नोइंग। आय हाय, मजा आ जाएगा यार, स्नोइंग इन शिमला। वाह, हम जाने वाले थे मनाली आज, ठीक है, बट अगर स्नो अच्छा गिरा तो हम मनाली नहीं जाएंगे, तो हम आज शिमला ही रुके। थोड़ा ठंडी बढ़ गया है इसलिए लिया है कॉफ़ी। कॉफ़ी पीते और बाहर हल्का हल्का स्नो भी स्टार्ट हो गया, तो कॉफ़ी पीते गर्म होते और चलते बाहर, ठीक है। अच्छा, तो यू कैन सी द स्नो, ये ऐसी स्नोफॉल पहली बार देख रहा हूँ, आज तक कभी नहीं देखा यार। नहीं जाने वाले आज मनाली, कैंसिल मनाली। आज यहीं रुकेंगे, मनाली का प्लान अपन कल करेंगे, ठीक है। बस स्नोफॉल देखना रहा, एकदम लाइव स्नोफॉल। कल भी हम यहीं थे, कल स्नोफॉल नहीं हुआ था, आज स्टार्ट हो गया। और क्या चाहिए यार, मजा आ गया, एकदम फ्रेश स्नोफॉल हो रहा है, मजा ही आ गया यार। तो ये फ्रेंड का जिनका कहना है कि बर्फबारी में बहुत अच्छा लग रहा है, कि फ्रेंड कैसे है जिनका कहना है। तो यहाँ पे चल रहा है कोई न्यूज़ का, टीवी 100 करके न्यूज़ है उनका, और यहाँ पे भी किसी ना किसी का लाइव टाइम्स का चल रहा है। वाओ, तो भाई मैं और विवेक मिश्रा जी सर है, दोनों जा रहे हैं मॉल रोड की ओर। स्नोफॉल बहुत ही अच्छा दिखेगा वहाँ से, तो वहाँ पे जा रहे हैं, चलते और दिखाता हूँ फिर वहाँ से। अच्छे से शक्ल नहीं आई, अभी देख रहे हो सर को, ये भी पूरा इंडिया घूम चुके काफ़ी हद तक, देखा है मैंने। चलो चलते हैं सर ऊपर की ओर। तो भाई यू कैन सी इट्स स्नोइंग। Thank you.
अमेजिंग एक्सपीरियंस यार, मज़ा आ गया। अभी स्नोफॉल को फेस कर रहे हैं, सामने से आ रही है ना, तो मज़ा आ गया। लेकिन यार सच में आप भाई साहब, अब नज़ारे देखिए आप। तो भाई साहब ऐसे ही चल रहे थे और मेरा ट्राइपॉड टूट गया है अभी बर्फ में। बर्फ की वजह से वो हार्ड हो गया था और टूट गया है। स्नोफॉल बहुत ही हैवी हो रहा है, अभी ज़्यादा भीगने से मतलब नहीं है, चलते होटल की ओर। अभी बाहर हो रहा था स्नोफॉल काफ़ी अच्छा, तो हमने कहा कुछ खाया जाए, कुछ गर्म लिया जाए। तो दिखा था हम कॉफ़ी लिया है, हॉट डॉग बर्गर लिया है, दोनों दिखाते हैं। हॉट डॉग बर्गर नहीं, हॉट डॉग। एक सर का है और एक मेरा। तो वही ऑलमोस्ट स्नो स्टॉप हो गया है, बिल्कुल हल्का हल्का से गिर रहा है, लेकिन मैं और सर बहुत ही सही टाइम पे मिले निकले थे। और अब आप सोच रहे होंगे सर मुझे कहाँ पे मिले। जब हम होटल में गए तो ये सर भी यहाँ पे होटल में ही रुके थे, तो हम दोनों की अच्छी फ्रेंडशिप हुई। हमने कहा चलो सर थोड़ा स्नो में घूम के आते, तो बस हम वहीं पे मिले हैं। चलते हैं अब होटल की ओर, ठीक है। घूमते 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 मस्त, स्नो तो बंद हो गया है, चलिए। एकदम ट्रीज है ना वाइट हो गए, पूरे वाइट स्नो से। मजा आ गया यार सच में, लाइफ का बेस्ट स्नोफॉल था टिल नाउ। हाँ, क्योंकि अभी तक मैंने बहुत कम स्नोफॉल देखा था। ये फॉर सेकेंड थर्ड टाइम है ये स्नोफॉल जो मैं देख रहा हूँ। पहले दो बार देखा जो इस टाइप का स्नोफॉल नहीं था, वो तो नॉर्मल था। आज तो एकदम सॉफ्ट स्नो गिरा है भाई, मजा आ गया सच में। अभी दिखाता हूँ, पूरा रूट पूरा वाइट हो रखा है, बहुत ही सॉलिड दिख रहा है यार। था आप लोगों को पता है, मैं जाने वाला था आज मॉर्निंग में मनाली के लिए निकलने वाला था। तो जैसे ही मैं नहाने के लिए निकला, देखा बाहर कि हल्का सा स्नो हो रहा था। तो मैंने नीचे पूछा कि भाई चांसेस है कुछ, तो बोले कुछ बोल नहीं सकते लेकिन गिर सकता है। हमने थोड़ी सी देर वेट किया, पहली बार जब मैं ऊपर आया, देखो आपने देखा रहेगा मॉल रोड आया, तब हल्का हल्का स्नो वो वाला गिरा था, जो उसको स्नो बोलते सर, क्या बोलते सर उसको, जो पहले वो गिर रहे थे पत्थर जैसे, हेलस्टोन्स, वो हेलस्टोन्स गिर रहे थे उस वक्त। तो हम तो उसमें ही खुश हो गए थे कि अरे वाह स्नो मिल गया। फिर थोड़ी देर हुई, अचानक से ये फ्लेक्स स्टार्ट हो गया। अरे भाई साहब जो मज़ा आया ना, वीडियो तो आपने देखा ही रहेगा, मज़ा आ गया सच में। पहुंच गए होटल पे और वापस से हल्का हल्का स्नोफॉल स्टार्ट हो गया। तो अभी हम करेंगे थोड़ा एडिटिंग, क्योंकि पूरा दिन तो स्नो में नहीं घूम सकते, घूम सकते बस थोड़ा सा काम है तो वो भी करना पड़ेगा। तो एडिटिंग करते फटाफट से, अच्छी खासी एक व्लॉग बनाते, कल या परसों उसे भी अपलोड कर देंगे, ठीक है। मैं सोच रहा हूँ यही व्लॉग को अपलोड किया जाए पहले, तो देखते अभी कौन सा करते, बताता हूँ। इंस्टाग्राम पे पहले स्टोरीज पोस्ट करेंगे, और अभी तक आपने मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कीजिए, नीचे आ रहेगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है। फॉलो नहीं किया तो फॉलो कीजिए, क्योंकि मैं जहाँ पे भी ट्रिप से जाता हूँ पहले सब वहाँ पे बताता हूँ, ठीक है। एकदम लाइव अपडेट्स मिलते हैं वहाँ पे।